गाइस, तो फाइनली हम लोगों का घर जाने का टाइम आ गया है। अभी शाम के बजे हैं 7 और बस प्रीवा के कपड़े मैंने चेंज किए हैं, मम्मी ने टिफिन पैक किया, मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना बना लिया क्योंकि वहाँ पे जाके हम लोगों को आराम से 8:30 बज जाएगी। फिर वहाँ पे जाने के बाद खाना बनाना ये बहुत बड़ा टास्क है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। प्रीवा के लिए मम्मी ने खिचड़ी बनाई है, हम सबके लिए मटर के पराठे बहुत दिन के बाद। अभी वैसे भी मटर मिलेगी नहीं क्योंकि ठंडियाँ जा चुकी है, सीजन खत्म हो गए। आए थे हम 2 दिन के लिए लेकिन हफ्ते से भी ऊपर हो गया हम लोगों को। चलिए गाइस, लेट हो रहा है, भाई मुझे छोड़ने आ रहा है। हम लोग जा रहे थे ट्रेन में लेकिन ट्रेन में डेनिस मना कर रहे कि अभी बहुत भीड़ होगी, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि बस में चलते हैं, वहाँ पे स्टेशन पर डेनिस लेने के लिए आ जाएंगे। तो अभी तक का कुछ ऐसा प्लान है। चलिए तो चलिए टिफिन पैक कर लेते हैं और क्रियो का जाओ अपने नो दिखा होनी गंदू की भाई नो नो क्रियो बाय करो दिखा नानी ने बाय करो बाय। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नहीं स्टे ट्यून बाय नहीं क्यों ना स्टे ट्यून, मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। ये बाय बाय यस। चलो गाइस, क्रीवा की मैंने आज की है ऑयलिंग, तो इसलिए क्रीवा ना एकदम चंपू चंपू दिख रही है क्योंकि कल मुझे क्रीवा के हेयर वॉश करने, एक हफ्ता हो गया क्रीवा के हेयर वॉश भी नहीं किया। हाँ पीड़ा भी पैक करी देने। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ, पैकिंग करनी है, टिफिन वगैरह मैं पैक कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। चलो बाय बाय बाय। मम्मी गाइस क्रीवा के लिए पराठा लेके आई है, देखो कैसे खा रही है खुद से ही तोड़ तोड़ के खा रही है, ऐसे ही सीखेगी फिर। मैं नहीं टोकती हूँ, खाने देती हूँ, एटलीस्ट पेट में खाना तो जाएगा क्योंकि क्रीवा ने कितने दिन से कुछ खाया नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न मुझे पता चल गया गाइस, बीच में मैं 2-3 दिन से क्रीवा कुछ नहीं खा रही थी ना, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि क्रीवा को किसी की नज़र लग गई है। मैं हर बार वीडियो में और सबको बताती रहती हूँ कि क्रीवा सब कुछ खा लेती है, तो अभी मैंने फिर ये भी सोचा था कि मैं अभी यूट्यूब वीडियोज़ में भी नहीं बोलूँगी, देखो आधा यहाँ पर गिरा के गई है, कि मैं अभी किसी को नहीं बताऊँगी वीडियोज़ में भी कि क्रीवा टचवुड की सब कुछ खा लेती है। लेकिन होता है बच्चे के साथ, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत खाया और फिर ऐसे ही नीचे गिरा के चली गई। क्रीवा उस जमाना ना वेदिका, क्रीवा उस जमाना ने पापा यहाँ पे गाइस खाना पैक कर रहे हैं। हर टाइम मेरी जो टिफिन वगैरह है वो थैला पापा ही पैक करते हैं, इसके अंदर मम्मी ने थोड़ी सब्जी रखी है और ये खाना है और साथ में ये हमारी बैग। तो गाइस भाई हमें छोड़ने आ रहा है बस डेपो तक और साथ में मम्मी भी आ रही है बस डेपो तक क्योंकि मम्मी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, इतने दिन तक क्रीवा हमारे साथ में थी ना। क्रीवा अपने क्या चाहिए ला? क्रीवा हाउस चाहिए ने? थैंक यू। मामू ने किसी करो दिखा, मामू ने किसी करो, मामू ने किसी करो, अरे वाह बधो पाली नानी ने नहीं करू तारे किसी। ओ चलो क्या चाहिए आपने दीकरा, आपने क्या चाहिए छे? क्रीवा हाउस ना हाउस थी गाइस, क्रीवा को भी पता चल गया कि हम जा रहे हैं घर वापस। जवाना आपने
चलो प्रियो चलो। चलो पप्पा बाय है साईराम साईराम घर जाइने फोन करो बापू है गाइस मम्मी भी आ रही है हमें छोड़ने के लिए। चलो दिक्कु आई जा मामू ने गाड़ी चला दे बापू चलो बाय मड़िए रिंग करू तुमने घर पहुंची किसी कर दे बाजू गाइस हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे बस हमारी निकल गई है तो अभी ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। वैसे डेनिस को मैंने कॉल करके बता दिया है तो वो स्टेशन पे लेने के लिए आ जाएगा लेकिन जो नहीं चाहते थे वो ही करना पड़ रहा है ट्रेन से ही हम लोगों को जाना पड़ रहा है। इस टाइम में ना अप डाउन वाले लोग बहुत सारे होते हैं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे लेकिन बस हम लोग आए ना और बस चली गई तो अभी आप लोग देखो ट्रेन में से कितने सारे पब्लिक निकली है क्योंकि ये अप डाउन क्योंकि अभी ऑफिस वर्क वालों का टाइम है ना सारे लोग ऑफिस से छूट रहे हैं तो बहुत भीड़ होती है। तो चलिए अभी जो भी है डेनिस को बोला है तो वो स्टेशन पर तो लेने के लिए आ जाएगी हम लोगों को। गाइज आ गई हमारी ट्रेन। प्रिया बहुत रो रही थी कब से ट्रेन पूरी चैन थी गई नहीं लगे कहीं नहीं अहीं बैसी जाऊँ आगे आवशे तो गाइस मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो गाइस आ गया डेनिस लेने के लिए क्यों। तो गाइस स्टेशन पे जैसे हम लोग आए ना डेनिस आ गए थे लेने के लिए। चलो अच्छा हुआ क्योंकि क्रीवा है साथ में बैग भी है और मम्मी ने ये ठेला भर के दिया सब्जी का। और डेनिस सबसे ज़्यादा किसको याद किया क्रीवा को या फिर मुझे मेरी क्रीवा को वो तो मुझे पता ही था कि क्यों क्योंकि मेरे अक्रीवा के आने के बाद मेरी जो वैल्यू है वो तो कम हो गई थी। कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और भूख भी बहुत लगी है खाना खाते हैं। गाइस ट्रेन हमारी जा रही है और ये रही हमारी एक्टिवा। क्रीवा का मुंह देखो डेनिस ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं। क्रीवा चलवा किसी को जाने नहीं देती अभी। चलो फिर गाइस घर पे चलते हैं और फिर फ्रेश होते हैं आप लोगों को मिलती हूँ। भूख लगी है खाना भी खाते हैं क्योंकि एक हाथ में क्रीवा को पकड़ा एक हाथ में मोबाइल को घर पे चल के ही बातचीत करते हैं। बस गाइस अभी हम लोग भी घर पे पहुंचने वाले हैं आप लोगों को मिलते हैं। वो वाली वाली कल है डैडी ने हाँ डैनिस को बहुत सारी किस्सी दे रहे काउ क्यों काउ काउ क्या छे काउ 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 छुगो बहुत दिवस पछि हमरे घरे चाहिला ने हां घर नी हालत सु कहली असे डैडी है ने तो अभी भाई पाछा जत रे जो है ना हां हवे नथी जवान आंटी नी हवे मेरा आंटी हाउस नथी जवान आवा बतु आवे छे ने तो गाइस आ गए फाइनली घर वापस अपने। ओ हो
घर की हालत देखो गाइस, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, सोचा था उतनी भी बुरी नहीं है। ये डेनिस की हरकत देखो, सोफे में ये सब दिख रहा है। प्लेटफॉर्म, ये सारे बर्तन भी मैं वैसे वॉश करके गई थी। डेनिस आज दूध ले दूं तुम्हें? अब पानी के मुई कुछ अंदर तपेली हुआ, दूध नहीं लीजू तुम्हें? तो अच्छा आज क्रीवा ने वो पीड़ा हुआ दूध तो जो इतने। ये रही मेरी क्रीवा, आते शुरू हो गई क्रीवा की कारभारी। शुरू हो गई क्रीवा की कारभारी। देनी साजी मैं डेरी में जाइए लई आवी दूध, कारण के दूध तो लेव पड़े मारू ने क्रीवा ने। बस बेसी दिया काउ मिल्क नहीं है गाइस घर पे बिल्कुल भी, अभी लेने आ। देखते हैं यहाँ पे डेरी है तो वहाँ पे फिर लेके लेने के लिए जाएगा। फिलहाल अभी डिनर करते हैं और क्रीवा के आते ही देखो मस्ती कारोबारी शुरू हो गई है। वैसे भी क्रीवा को ना आदत लग गई है यहाँ से वहाँ वहाँ से करना। क्रीवा अभी ये घर को भी बहुत अच्छे से पहचानने लगे हैं। चलिए फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं पहले। क्रीवा को ना ये करना सबसे ज्यादा पसंद है। क्रीवा को अपने पैर कितना रिलैक्स फील कर रही है देखो। अरे वाह मालो देखो वो काम कर लेने डैडी पास से, वो काम कर लेते डैडी पास से। हाँ त्या मच्छर वधारे छे, डैडी पास से बहुत सेवा करावे क्रीवू। हाँ लालकू थाई डैडी ने याद करू क्रीवा है। नो नो डैडी ने करो हाथा, डैडी ने करो। नी 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 डैडी ने उन्हीं कला नो नो देखो आवाजो। चलो फिर गाइस क्रीवा का भी खाना निकलती हूँ और हम भी डिनर करते हैं। तो चलिए गाइस फिर डिनर कर लेते हैं, बहुत दिन के बाद साथ में डिनर कर रहे हैं। डेनिस क्रीवा को खिला रहे हैं। ये रही खिचड़ी मम्मी ने क्रीवा के लिए और डेनिस के लिए खिचड़ी भेजी थी। ये है मटर के पराठे, साथ में दही ही है। डेनिस ने मेयोनीज लिया है, केचप है ये, और डेनिस अभी पाव भाजी पुलाव लेके आए हैं पार्सल। और ये रहे पराठे मटर के, हरे मटर के। क्रीवा को पसंद आए हरे मटर के पराठे, बहुत स्पाइसी नहीं है तो क्रीवा भी खा रही है। चलिए फिर गाइस बहुत दिन के बाद फिर क्रीवा को ये साइकिलिंग कराने के लिए जाते हैं खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद आप लोगों को मिलती हूँ। यार आपको क्या बताओ गाइस, देखो क्रीवा ने क्या किया है। क्रीवा मेरा मस्करा लेके बैठी थी, पता नहीं कैसे क्रीवा ने खोल दिया और पूरे मुंह पे लगा दिया। क्रीवा को लग रहा है कि ये लिपस्टिक है। क्या करूँ क्रीवा का मैं। शू करियो ते आ तारो मोड़ू जो तारो। क्रीवा ने सुबह क्या हरकत की आप लोगों ने देखा ना। अभी जस्ट मैं क्रीवा को सुला के आई हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरी अनबॉक्सिंग है वीडियोस बनाना है वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग को भी हम यही पे एंड करते हैं। अभी मैं अपना काम करूँगी, क्रीवा सोई है तो मैं सोच रही हूँ मुझे वीडियोस बनाने हैं, 2 घंटे का काम है अनबॉक्सिंग करने हैं। सो आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस कितने सारे पार्सल आए, रुकिए। तो ये सारे पार्सल ना मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, कहाँ गए पार्सल सारे हैं। तो गाइस ये सारे पार्सल हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये पूरे मिंत्रा एंड मीशो के पार्सल हैं। देखो आप समझ सकते हैं कि कितने पार्सल हो सकते हैं इसके अंदर।
तो ये सारे पार्सल की मुझे करनी है अनबॉक्सिंग। गाइस ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके बाद हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और गाइस मैं और क्या शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, हाँ कि क्रीवा ना अभी मैं जो भी फेस पे अप्लाई करती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक है या फिर कुछ भी मस्कारा या फिर क्रीम, कुछ भी मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो क्रीवा अभी देखती है, बहुत ज़्यादा सीख गई है। वो भी जो भी मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ तो वो भी इस तरह से करती है, मुझे देख देख के मेरी कॉपी करने लगी है। तो ये बड़ी दिक्कत है, मैं कुछ भी इस क्रीवा के सामने लेके आती हूँ ना तो क्रीवा को भी वो चाहिए होता है, बहुत चिल्लाती है। मैं क्रीवा के सामने अभी कुछ अप्लाई भी नहीं कर सकती क्योंकि जो भी मैं लगाती हूँ वो क्रीवा को भी चाहिए होता है। चलिए ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्रीवा के बिना, क्योंकि मेरी क्रीवा सोई है और इसके बाद गाइस मुझे बहुत सारे काम है। शायद मैं आज का व्लॉग ना शाम को ही शुरू करूँगी क्योंकि आज पूरा दिन मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, ये सारे पार्सल को मुझे सही करने हैं और बहुत सारा काम है। आराम से 2-3 घंटा निकल जाएगा इसमें, तो क्रीवा मेरी सोई है ना तब तक मैं फटाफट अपना जितना काम होता है उतना कर लेती हूँ, फिर इसके बाद क्रीवा के साथ धीरे धीरे होगा। क्रीवा उठती है फिर इसके बाद जो काम है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि क्रीवा को भी देखना पड़ता है ना, इसलिए। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।